राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिलचस्प लड़ाई जारी है। कांग्रेस के खिलाफ अब बीजेपी ने कांग्रेस वाला दांव ही खेला है। बीजेपी ने सोमवार को जारी 8 उम्मीदवारों की 5वीं सूची में टोंक सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के सामने मौजूदा परिवहन मंत्री यूनिस खान को मैदान में उतारा है। इससे पहले कांग्रेस ने 32 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में मानवेंद्र सिंह को झालरा पाटन से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ मैदान में उतारकर बड़ा सियासी दांव खेला था। मानवेंद्र सिंह हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। टोंक सीट पर अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहां जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी सालों पुरानी परंपरा तोड़ी है। टोंक में 2,20,000 वोटरों में से करीब 40,000 मतदाता मुस्लिम हैं, जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। 1972 के चुनाव से कांग्रेस यहां मुस्लिम उम्मीदवार ही उतार रही थी। 1980 से बीजेपी ने यहां सिर्फ हिंदू उम्मीदवार को ही टिकट दिया था। इस बार टोंक सीट पर समीकरण बदल गए। कांग्रेस ने अपनी 86 साल की परंपरा तोड़ते हुए गैर मुस्लिम नेता को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने भी एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार मंत्री यूनिस खान पर दांव खेला है। यूनिस खान राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी की तरफ से उतारे गए एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार हैं। 7 दिन की कश्मकश के बाद यूनिस खान को टिकट मिला। खान वसुंधरा राजे के करीब माने जाते हैं और पार्टी में नंबर 2 का ओहदा रखते हैं। ऐसे में पार्टी की रणनीति से इतर मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव में उतारने के पीछे वजह मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जिद रही या सचिन पायलट के सामने किसी जिताऊ प्रत्याशी को मैदान में उतारने की और मुस्लिम बहुल सीट पर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की बीजेपी की रणनीति, ये कहना मुश्किल है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।